Guys, amazing. This is fantastic, yaar. ऐसे मेरी आँख खुल गई है, guys. बहुत ही मजे का है और इन्होंने नमक नींबू नहीं पाया जैसे को पाकिस्तानी गनेरिया जूस मिलता है, लेकिन फिर भी guys बहुत मजे का है. मैं पहली दफा कोरियन गनेरी जूस खा रही हूँ, गन्ने का जूस, क्योंकि कोरिया में ज़्यादातर नहीं मिलता ये. मैं आई हूँ तो पता नहीं लग गया, तो मैं बड़े शौक में लेता है, तो शौक पूरा हो गया. कोरियन स्नैक्स हैं, इसको हनगवा कहते हैं. ये मतलब हमारा ट्रेडिशनल स्नैक है, तो ये काफ़ी मज़े का होता है. ये ज़्यादातर हम ईद पे खाते हैं, कोरियन ईद पे, मतलब कोरियन ईद कह सकते हैं थल और चूसक को. तो काफ़ी मज़े का होता है, मीठा होता है. ये मामा ने मंगवाया केक, इसको पीकन केक कहते हैं, पीकन पाई कहते हैं, केक नहीं, पीकन पाई मंगवाया मामा ने. और मैंने एट मंगवाया है, ये है हलाबुंग एट. हलाबुंग कोरियन माल्टा है जो छेजू में. ज़्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो आप कहेंगे ये क्या कह रही है, तो छोड़ो. तो है ना, मतलब कोरियन माल्टा वे तो नाल एट है, तो ना नाल है वेखो पुदीना भी इन्होंने पाया है, तो खुशबू बड़ी सोहनी है. वाह वाह वाह, हूँ पीने हैं, ठीक है. ऐसा अब ये मैं पीने लगी हूँ मामा के साथ, गप्पे शप्पे हो जाए. मामा आपको उर्दू आती है? उर्दू थोड़ा बोल के दिखाएं ना, वो कुछ भी आप बोल के दिखाएं. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. खाका है वो, तो खाका ही था सामान. मैं खाना लगी हूँ पिकन पाई, पिकन पाई, पिकन पाई. मैं खाना लगी हूँ पिकन पाई. वो मुझे कह, वो मुझे कह, वो मुझे कह. जबरदस्त जबरदस्त. चीनी बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा. योगी से सोके बोला, इगम पिकन या बादाम. योगी सोके, योगी सोके, योगी सोके ने बोला. इसके अंदर, इसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा है, पिकन पाई पे. वो तो बोला करे, वो तो अखरोट, ने अखरोट अंदर है. आने वो तो इगम पिकन या.호두도 위에 찌그러뜨니까 이거 다 호두잖아요. 이거 호두지, 이게 피코니. 아, 아크로드 해봐. 아, 그래.